hello students welcome to the gyan ganga academy's interactive classes this is our maths textbook maths magic and our today's topic is chapter first the fish tea and in this chapter we are going to study about the different type of fishes and what are the different features of fishes and we will study about the different other sea animals and about the fisherman's and their boats and these fishermen's catches these fishes and what they do with these fishes हाउ दे अर्न मनी फ्राम दीज फिशेज राइट स्टूडेंट्स यह हमारी मैथ्स की टेक्स्ट बुक मैथ्स मैजिक है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस बुक का पहला चैप्टर और उसका नाम है मछलियों की कहानी टेल बने कहानी और मछली हमें पता ही है फिश बने तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं अलग अलग तरह की मछलियों के बारे में और अन्य समुद्री जानवरों के बारे में हम पढ़ेंगे कि अलग अलग मछली पकड़ने वालों के बारे में साथ ही साथ उनकी बड़ी बड़ी नामों के बारे में और वो इन नामों में किस प्रकार मछलियाँ पकड़ते हैं और उस मछलियों से वो कैसे पैसे कमाते हैं और पैसे कमाने के लिए उन्हें क्या क्या करना होता है ये सारे के सारे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में इसका नाम है द फिश तील डीप Under the sea, सी the lovely कलर्ड fish swimming peacefully. Deep माने गहरे समंदर के नीचे ये गहरे समंदर के अंदर देखो सुंदर प्यारी सी कलर्ड फिश रंग बिरंगी फिश है स्विमिंग पीसफुली तैर रही है पीसफुली मतलब शांति से अब ये क्या है थ्री लाइंस की वो कहता है दिस स्पेशल पोम इन थ्री लाइंस इज कॉल्ड आइको सच पोम्स अबाउट नेचर आर पॉपुलर इन जपैन हेयर इज अनदर हाइकू द लेक काम स्मूद स्टिल अ फिश जम्प्स अप एंड रिटर्न रिपल्स सेक्स द लेक्स वो कहता है कि जो ऊपर तरह की हमने जो पोम पढ़ी है अभी जो स्पेशल पोम है ये थ्री लाइन्स की होती है और इसको बोलते हैं हाइकू और इस तरह की पोम नेचर यानी प्रकृति पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है विख्यात है जापान के अंदर हेयर इज अनदर हाइकू और एक और हाइकू हम नीचे पढ़ते हैं द लेक काम स्मूथ स्टिल जो तालाब है या जो सॉरी जो झील है वो शांत है स्मूथ धीरे मतलब आसानी से बहरी आराम से बहुत स्मूथ है है ना स्टिल रुकी हुई है अ फिश जंप्स अप एंड रिटर्न्स रिपल्स शेक्स द लेक और जो जो मछली है वो उसमें जम करती है और वापस आती है और ऐसा करने से रिपल्स शेक्स द लेक इससे जो हमारी झील है उसमें क्या होता है हलचल पैदा होती है राइट right? अब कहता है डू यू नो एनी पोम्स अबाउट फिश क्या तुम भी कोई कविता जानते हो फिश के बारे में हेयर आर सम ड्रॉइंग्स मेड बाई चिल्ड्रन वेन यू थिंक ऑफ फिश वट शेप कम्स इन योर माइंड ट्राई टू यूज अ स्क्वायर एंड अ ट्राइंगल टू ड्रॉ अ फिश वो कहता है कि क्या तुम्हें भी कोई कविता आती है फिश की अगर तुम्हें आती है तो कोई सुनाओ वेरी गुड वो वाली जो बचपन से पढ़ते हैं सुनते आ रहे हैं मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है वेरी गुड उसके अलावा भी कोई आती है तो वो आप सुना सकते हैं उसके अलावा वो कहता है कि जो ड्राइंग बच्चों ने बनाई है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस किस तरह की ड्राइंग्स यहाँ पर बनाई गई हैं साथ ही साथ वो कहता है कि जब भी तुम कभी फ़िश के बारे में सोचते हो तो क्या तुम्हारे माइंड में कोई शेप्स आती हैं जैसे सर्कल ट्राइंगल स्क्वायर रेक्टेंगल कुछ इस तरह की शेप्स आती हैं तो कौन सी आती हैं अगर आती हैं और वो साथ ही साथ लास्ट में कहता है कि तुम बनाने की कोशिश करो एक ट्राइंगल और एक स्क्वायर की मदद से कोई फिश की शेप बनाओ और उसके अलावा वो क्या कह रहा है कि लुक फॉर फिश डिजाइन अराउंड यू ऑन क्लॉथ इन प्रिंटिंग्स ऑन मैट एटसेट्रा वो कहता है कि तुम फिशेस के अलग अलग डिजाइन अपने चारों ओर देखो अब कहां देखोगे अब आप समंदर में तो नहीं देख सकते तो इसलिए कि कपड़ों में प्रिंटिंग्स में या कि किसी मैट वैट के ऊपर आपको अगर मछलियों के डिजाइन दिखाई देते हैं और कहीं भी दिखाई देते हैं तो आप उनके डिजाइंस को देखें मीन्स means a fish, and Minakshi is a girl whose eyes look like a fish. Can you think of someone who has such eyes? कहते हैं मछली का एक और नाम होता है मीन राइट right? मीन का मतलब होता है मछली और मीनाक्षी एक ऐसी लड़की है जिसकी आंखें हैं बिल्कुल मछली की तरह दिखाई देती हैं कैन यू थिंक ऑफ सम वन और क्या तुम भी सोच सकते हो किसी ऐसी लड़की के बारे में या ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसकी आंखें मछली की तरह हैं और मीनाक्षी कहाँ है ये लड़की है मीनाक्षी देखिए इसकी आंखें बिल्कुल मछली की तरह दिखाई दे रही हैं आगे कहते हैं ड्रॉ आ फेस विद फिश आई और आप एक फेस ड्रॉ करिए जो कि फिश आई की तरह दिखता हो आगे कहता है कि फिशेज कैन हैव वेरी डिफरेंट साइजेज द स्मॉलेस्ट फिश इज अबाउट वन सेंटीमीटर लोंग हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन वो कहता है कि एक जो फिश है वो अलग अलग प्रकार की अलग अलग साइजों की होती हैं और वो कहता है कि जो सबसे छोटी से छोटी मछली है वो लगभग एक सेंटीमीटर लॉन्ग होती है अब एक सेंटीमीटर कितना होता है अगर आप अपने स्केल को देखेंगे तो सब उसमें दिया होगा वन सेंटीमीटर तो वन सेंटीमीटर इतनी लंबी होती है और लंबी से लंबी मछली आप कितनी सोच सकते हैं उसको यहां पर आप लिखेंगे राइट right? कि वन सेंटीमीटर है या पांच सौ मीटर है दो सौ मीटर सौ मीटर लंबी है ना अब हंड्रेड मीटर कितना होता है फाइव हंड्रेड मीटर फिफ्टी मीटर्स है ना ट्वेंटी मीटर्स कितने मीटर्स आप सोच सकते हो आप यहां पर या किलोमीटर्स भी सोच सकते हो तो आप सोचो कि भाई कितनी बड़ी मछली हो सकती है अगर आपको कहीं से भी लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख देंगे राइट right? ध्यान से सोच समझ कर यहां पर लिखेंगे तो कहते हैं हाउ मेनी टाइम्स लोंगर इज योर बिग फिश दन द स्मॉलेस्ट फिश अब आपने क्या करा कि आपने कुछ सोचा मान लेते हैं आपने बोला कि जो सबसे लंबी फिश है वो 100 मीटर्स की या 50 मीटर्स की होती है या आपने बोला कि 10 सेंटीमीटर की होती है तो वो कह रहा है कि आपने जो सबसे लंबी मछली सोची है वो और जो सबसे छोटी मछली है उसमें कितना अंतर है या वो जो कहता है हाउ मैनी टाइम्स लॉन्गर कि कितनी ज्यादा लंबी है जो तुमने बड़ी मछली के बारे में सोचा है उस वो छोटी मछली से कितनी ज्यादा बड़ी है तो हम उसमें क्या करेंगे कि अगर आपने बोला कि टेन सेंटीमीटर है तो उसमें से वन सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे तो बचेगा नाइन सेंटीमीटर तो यानी कि जो बड़ी मछली है वो कितनी बड़ी है नाइन सेंटीमीटर्स बड़ी है लेकिन हम सेंटीमीटर्स में तो नहीं सोच रहे हैं. हमारा तो मानना है कि जो मछली है वो कम से कम कम से कम हंड्रेड मीटर्स नहीं तो फिफ्टीन तो ट्वेंटी फाइव मीटर्स ठीक है ना टेन मीटर्स होती है अब अब टेन मीटर्स में से त, वन सेंटीमीटर को कैसे माइनस करेंगे नहीं कर सकते ना क्यों क्योंकि पहले अगर हम सेंटीमीटर्स हैं तो पहले सेंटीमीटर्स में ही मीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा और या फिर हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें या मीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लें और फिर जब दोनों दोनों सेंटीमीटर हो जाएं या दोनों के दोनों मीटर्स हो जाए तब जाकर हम उसे माइनस कर सकते हैं द बिगेस्ट फिश इज द व्हील शार्क इट इज एक्चुअली नॉट अ वेल बट इज अग बिग फिश वेल्स आर डिफरेंट from fish whales breathe like we do through their nose but fish have no nose and they take in water not air whales give birth to babies but fish lays lay eggs the whale shark fish looks big and dangerous but is quite harmless it does not attack humans वो कहता है कि जो बिगेस्ट जो बिगेस्ट फिश है उसका नाम है वेल शार्क तो ये अंडरलाइन करने वाली बात है कि सबसे जो बड़ी व्हील होती है उसका नाम है व्हेल शार्क और ये जो है एक्चुअली ये व्हेल जो है ये एक्चुअली व्हील भी नहीं है बट ये सबसे बड़ी बड़ी मछली है व्हेल्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं थोड़ा सा मछलियों से क्यों क्या डिफरेंस होता है ये भी एक अंडरलाइन करने वाली बात है जो आगे पर सर पढ़ा रहे हैं वो कहते हैं वेल्स ब्रीथ लाइक वी डू व्हील्स बिल्कुल उसी तरीके से सांस लेती हैं जिस प्रकार हम लोग सांस लेते हैं थ्रू देयर नोज अपने नाकों नाक से बट फिश हैव नो नोज मगर मछलियों के पास कोई नाक नहीं होती एंड दे टेक इन वाटर नोट एयर और वह पानी लेती हैं अंदर जिस हवा नहीं लेती यानी कि जैसे हम सांस लेते हैं तो मछलियाँ सांस नहीं लेती बल्कि वो तो पानी ही पीती हैं वेल्स गिव बर्थ टू बेबीज और जो व्हेल है वो बच्चे देती हैं इंसानों की तरह लेकिन जो फिश है वो अंडे देती हैं द वेल शार्क फिश लुक्स बिग एंड डेंजरस जो व्हेल शार्क मछली है वो बहुत खतरनाक दिखती है बट लेकिन इज क्वाइट हार्मलेस मगर वह क्वाइट माना बिल्कुल भी हार्मलेस मतलब खतरनाक या नुकसानदायक नहीं होती हार्मलेस माने होता है नुकसानदायक इट डज नॉट अटैक ह्यूमंस वो इंसानों पर अटैक नहीं करती आक्रमण नहीं करती तो ये एक पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको अंडरलाइन करने के लिए है और इंपॉर्टेंट बातें हैं फिश के बारे में जो शायद आपने भी नहीं जानी होंगी इससे पहले तो ये आपके लिए न्यू है जिसे आपको याद करना चाहिए नेक्स्ट कहता है वन वेल शार मीटर्स अंडरलाइन करने वाली बात है ये भी कहता है वन व्हील चार्क जो होती है वो इतनी लंबी हो सकती है कितनी जितनी की एटीन मीटर्स अब एटीन मीटर्स को सेंटीमीटर में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू टेन मिलीमीटर्स राइट एंड क्योंकि मिलीमीटर सबसे छोटी यूनिट है नापने की तो लेंथ नापने की तो सबसे पहले हो गया मिलीमीटर उसके बाद हो गया टेन मिलीमीटर का इज इकल टू वन सेंटीमीटर उसके बाद क्या रहे हैं कि हंड्रेड सेंटीमीटर इज इक्वल टू वन मीटर्स एक मीटर्स में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं हंड्रेड तो एटीन मीटर्स में कितने होंगे हम एटीन को मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड तो यानी कितना हो गया एटीन मीटर्स इज मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड सेंटीमीटर्स तो कुल मिला के कितने सेंटीमीटर्स हो गए एटीन हंड्रेड सेंटीमीटर्स कितना हो गया 1800 सेंटीमीटर सेंटीमीटर्स इतनी लंबी हो जाएगी और आपका स्केल कितना होता है सिर्फ सिक्स सेंटीमीटर्स सिक्स सेंटीमीटर्स का फिफ्टीन सेंटीमीटर्स का होता है तो आपका जो स्केल होता है वो होता है फिफ्टीन सेंटीमीटर्स का और आपके पास कितनी ये कितनी हुई एटीन मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड तो ये हो गया वन थाउजेंड एट हंड्रेड सेंटीमीटर्स तो आप सोचो कि आपका छोटा वाला स्केल कितनी बार आपको करना पड़ेगा कि वो वन हंड्रेड 1,800 सेंटीमीटर हो जाए इतनी लंबी आपकी वो वेल होती है जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग दैट इज ऑलमोस्ट ट्वेल्व ऑफ योर साइज स्टैंडिंग ऑन ऑन टॉप ऑफ द अदर तो अब आप करो सोच सकते हो कितने हो सकते हैं कि तुम्हारे बराबर के बारह बच्चों को ट्वेल्व चिल्ड्रंस को अगर एक के ऊपर एक खड़ा करते चले गए तो उतनी बड़ी एंड गेस वॉट इट्स वेट और आप बताओ कि उसका वजन कितना होता होगा वही जब आपकी बराबर के बारह बच्चों को एक के ऊपर एक रख देंगे खड़ा कर देंगे तो इतनी तो वो लंबी होगी अब आप मुझे बताओ कि उसका वजन कितना होगा वेल मच मच मोर देन ऑफ टू गैदर वेट्स एंड इट्स वेट वॉज अबाउट सिक्सटीन थाउजेंड के जी सिक्सटीन थाउजेंड के जी अब बताइए जरा वो कहता है कि वेल मच मच मोर अच्छा तो अगर आप सोचने लगोगे तो ज़्यादा और ज़्यादा कितना ज़्यादा कि तुम्हारे जैसे बारह बच्चों को अगर एक साथ वेट करा जाए तो उसका वेट के बराबर आ सकता है और वो लगभग कितना होता है सोलह हज़ार किलो कितना सोलह हज़ार किलो अगर आपका वेट ट्वेंटी के जी है तो अब आप लगा लो कि उसका वज कितने आपके आपके वजन के कितने बराबर के हमारे बच्चे नापने पड़ेंगे तो कैसे निकालेंगे इसे अगर आपका वजन 20 के है तो उसे 20 से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने बच्चे होंगे आ रहा है समझ में तो ये है मैंने आपको बताया कि 16,000 थाउजेंड तो यानी कि 16,000 को अगर आपका वजन 20 के है तो 16,000 से से डिवाइड करेंगे तो 20 का 2 का जीरो से जीरो कट जाएगा ये बचेगा 1600 अब 1600 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो टू एट जाए सिक्सटीन और टू डबल जीरो यानी कि अगर आपका वजन 20 के है तो 800 बच्चों के वजन के बराबर उस शार्क वेल का वजन होता है ये 12 का नहीं है ये तो 800 चला गया मामला नाउ अबाउट हाउ मैनी किलोग्राम्स डू यू वेट तुम्हारा वजन कितना है वो आप यहां पर लिखेंगे सो ट्वेल्व चिल्ड्रन लाइक यू पुट टूगैदर विल वेट अबाउट और अगर आपके जैसे 12 बच्चों का वजन हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका वजन कितना है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे ट्वेल्व से अबाउट हाउ मच मोर डज द वेल शार्क वेट देन ट्वेल्व चिल्ड्रन लाइक यू पुट टूगेदर कहता है अब बताओ कि कितना और वजन एक वेल शार्क के वेट का होगा अगर हम बारह बच्चों के वजन को एक साथ रखते हैं उसके बाद भी तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि अगर एक बच्चे का वजन है ट्वेंटी के जी ठीक है तो ट्वेल्व बच्चों का कितना होगा एक का ट्वेंटी तो यानी कि ट्वेल्व टका ट्वेंटी कितने टाइम्स हो जाएगा ट्वेल्व टाइम्स तो यानी कि कितना होगा ट्वेल्व मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी तो ये आंसर कितना होगा भाई ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर और जीरो का जीरो ये हो गया टू थाउज टू हंड्रेड फोर्टी के जी राइट तो अब वो बताओ कि अबाउट कितना हो गया अब उस वेल का वजन कितना है वन सिक्स थाउजेंड माइनस टू हंड्रेड फोर्टी के जी तो अब इसे माइनस करेंगे तो क्या होगा जीरो का जीरो सिक्स सेवन फाइव वन अभी भी वेल कितनी है इतना के जी ज्यादा है देख लो आप देखा कितना फर्क है द फिश टेल टू सी द डिफरेंस बिटवीन व्हेल्स एंड फिश लुक केयरफुली at their tails. Can you see that the fish tail stands flat along its body, but the tail of the whale almost look like two legs. Can you spot the fish in the picture? अब वो कहता है कि fish की tail. अब fish की tail कैसी होती है? To see the difference between, अगर हम whale और fish में ध्यान से देखें, तो हमें दिखाई देगा उसकी जुट टांगे हैं. Carefully add their tails. कहता है अगर हम डिफरेंस देखें बिटवीन वेल्स में और फिश में तो लुक हमें देखना है ध्यान से उसकी पूंछ को कैन यू सी दैट द फिश टेल स्टैंड अलोंग इट्स बॉडी जो फिश की टेल होती है वो उसकी बॉडी के बिल्कुल फ्लैट होती है साथ साथ बिल्कुल होती है बट द टेल ऑफ वेल ऑलमोस्ट लुक लाइक टू लेग्स जबकि व्हेल है उसकी जो होती है उसकी जो टांगे हैं या उसकी जो पूंछ है वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे दो लेग्स की तरह है, राइट hmm. right. अब वो कहता है कि फिश तो इन इनमें से कौन सी फिश नजर आ रही है में आप उससे करिए निशान लगाइए कौन सी है वेरी गुड जो ऑरेंज कलर की है नेक्स्ट कहता है स्कूल ऑफ फिश फिश मछलियों का स्कूल अब क्या मछलियां भी स्कूल जाती हैं भाई देखो लिखा तो कुछ ऐसे ही है चलिए पढ़ते हैं इसको तो कहता है कि फिश Like to swim together in the sea, a big groups called schools of fish. In their school, they feel safe from the bigger fish. Do you feel safe in your school? अब वो क्या कहता है कि schools of fish. अब वो कहता है कि fish likes to swim together. जो मछलियाँ हैं वो एक साथ तैरना पसंद करती हैं इन द सी समंदर में, in big groups. बड़े बड़े ग्रुप्स में उन्हें तैरना पसंद है या मछलियां जो हैं बड़े बड़े ग्रुप्स में समंदर में तैरती हैं और इसी ग्रुप को कॉल्ड स्कूल्स ऑफ फिश तो मछलियों के इसी ग्रुप को क्या बोला जाता है स्कूल्स ठीक है ना स्कूल नहीं स्कूल्स बोला जाता है तो स्कूल्स ऑफ फिश स्कूल्स ऑफ फिश किसे बोलते हैं जो मछलियों का झुंड होता है उसे हम स्कूल्स ऑफ फिश बोलते हैं इन देयर स्कूल वह अपने स्कूल में दे फील सेफ वह सुरक्षित महसूस करती हैं फ्रॉम द बिगर फिशेस बड़ी मछलियों से वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं अगर वो स्कूल्स में होती हैं तो राइट अब वो कहता है डू यू फील सेफ इन योर स्कूल अब वो पूछ रहा है कि क्या तुम भी अपने स्कूल में सेफ महसूस करते हो आगे कहता है कि टू केयर अवे The bigger fish, some small fish drink up a lot of water, swells up and look big. अब क्या होता है कि अपने आप को बड़ी मछलियों से बचाने के लिए या डर के मारे कहते हो कि अपने डर को भगाने के लिए वो क्या करती हैं वो खूब सारा छोटी छोटी मछलियाँ खूब सारा पानी पी लेती हैं और अपना जो वजन है अपने वजन को बढ़ा लेती हैं क्या करती हैं बढ़ा लेती हैं कह जिन्सी यूज़ दी शेप्स टू मेक ड्राॅंग ड्रॉइंग्स ऑफ फिश नाउ यू ऑल्सो यूज सम शेप्स टू ड्रॉ द डिफरेंट सी एनिमल्स शोन बिलो जिन्सी जो ये लड़की है ये अलग अलग शेप्स की मदद से फिश और अलग 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 जानवर बनाती है तो आप भी अलग अलग शेप्स के साथ मिलाकर ये नीचे के कुछ एनिमल्स दिए हैं सी एनिमल्स उनको आप बना सकते हैं जैसे क्या है सी अर्चिन लैपस्टर ईल रेड स्नैपर ऑक्टोपस काम पैरट फिश प्रोन जैली फिश कटल फिश स्क्विड क्रैब और सिल्वर पॉम्फट

द सी कुड बी फाइंड आउट आपको क्या लगता है कि जो समंदर है वो कितना गहरा हो सकता है पता करिए ठीक है तो आप इन सब चीज़ों के बारे में पता करेंगे डू यू नो हाउ टू स्विम क्या तुम्हें तैरना आता है वुड यू बी स्केयर ऑफ द हाई सी वेव्स क्या तुम्हें उस जो समंदर पर उठने वाली ऊंची-ऊंची लहरों से डर लगता है मुझे तो देख के डर लगता है आगे वो कहता है क्लोज योर राइज एंड इमेजिन द सी विद वेव्स राइजिंग हाई तो अपनी आंखें बंद करिए और कल्पना करिए कि समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है हाउ हाई डू यू थिंक द वेव्स कैन गो तो मैं क्या लगता है कि जो ये वेव्स हैं कितनी ऊंचाई तक जा सकती हैं तो आप उसको यहाँ पे लिखिए दस मीटर पचास मीटर सौ मीटर कितना भी आगे वो कहता है इमेजिन दैट देयर आर फिशरमैन इन देयर बोट्स आप इमेजिन कीजिए कि फिशरमैन जो है अपनी बोट पर हैं गोइंग अप एंड वे डाउन विद द वेव्स वो ऊपर नीचे जा रहे हैं अपनी समंदर की वेव्स के साथ अपनी नाव में दे स्टार्ट देर ट्रिप व्हेन इट इज़ स्टिल डार्क वो अपना जो सफर है वो अंधेरे में ही शुरू कर देते हैं सम गो ऑन अ सिंपल बोट मेड फ्रॉम लॉग्स ऑफ़ वुड टाइड टुगेदर कुछ हैं वो जाते हैं सिंपल बोट होती है उनकी और उस बोट कैसी होती है उन्होंने लकड़ी के गट्ठों को आपस में बांध रखा होता है इफ़ द सी इज रफ अगर समंदर रफ है रफ से मीन्स कि अगर उसमें किसी तरह की कोई हलचल हो रही है शांत नहीं है विद वेरी हाई टाइड्स और ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं एंड द स्ट्रॉन्ग विंड और खतरनाक या तेज हवाएं चल रही हैं देन दीज फिजर हैव अ वेरी डिफिकल्ट टाइम तब इन तरह इन नाविकों को जो इस तरह की नाव में होते हैं उन्हें बहुत दिक्कत होती है दीज लॉक बोर्ड्स दो नॉट गो वेरी फार वो बहुत दूर तक नहीं जा पाते इन नाव ये जो नाव है ज़्यादा दूर तक नहीं जाती इफ द विंड इज़ हेल्पफुल अगर जो विंड है अगर मददगार है दे ट्रेवल अबाउट फोर किलोमीटर्स इन वन हार तो वो सिर्फ एक घंटे में चार किलोमीटर तक ही सफ़र कर पाते हैं अब वो कहता है हाउ लॉन्ग विल द टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ टेन किलोमीटर्स अगर उन्हें फोर किलोमीटर्स जाने में एक घंटा लगता है तो वो टेन किलोमीटर्स कितने घंटे में जाएंगे हम फोर से टेन को डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा और उसका आंसर जो भी होगा यानी कि इतने टाइम उन्हें लगेगा वो कहता है गेस हाउ फार यू कैन गो इन वन आवर इफ़ यू वॉक फास्ट अगर आप तेज़ चलें तो आप एक घंटे में कितना चलेंगे इसकी भी अंदाज़ा लगाइए राइट आगे वो कहता है कि फिशरमैन कैन फील द विंड एंड लुक एट द सन टू फाइंड आउट विच वे टू गो द फिशरमैन हैं वो हवा को महसूस करते हैं और सूरज को देखते हैं कि उन्हें किस तरफ जाना चाहिए मैनी ऑफ अस वुड गेट लॉस्ट एंड नॉट बी एबल टू फाइंड आवर वे ऑन द सी वेयर यू ओनली सी वाटर वाटर एंड नथिंग एल्स कहता हम में से कई सारे लोग रास्ता भटक जाएंगे समंदर के बीच में क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलेगा इतने सारे पानी के बीच में कि उन्हें कहाँ जाना है राइट right? होंगे वो कहता फाइंड आउट लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट राइज वो कहता है कि सूरज को देखो और पता करो ढूंढो कि किस डायरेक्शन से सूरज उगता है राइट right? उसके बाद वो कहता है फ्रॉम वेयर यू आर तुम कहां पर हो वट इंटरेस्टिंग थिंग डू यू सी टू यूर ईस्ट तुम कहां हो और तुम्हारे ईस्ट की तरफ यानी कि तुम्हारे पूर्व में तुम कौन सी दिशा में हो और तुम्हारे पूर्व में क्या मजेदार चीज है उसके बारे में लिखो यानी कि अगर मैं मान लेता हूं कि मैं जहां भी हूं मैं जिस भी जगह पे हूं हमारे ईस्ट में हमारे पूर्व की साइड कौन सी चीज़ है उसके बारे में लिखना है तो कैसे पता चलेगा हमारा ईस्ट कौन सा है तो आप ये मान के चलिए कि हम स्कूल पे के गेट पर खड़े हैं और हमारा जो फेस है वो सड़क की तरफ है ठीक है अब सब की सब देखेंगे कि आप ये समझिए कि स्कूल के गेट पे खड़े हैं और आपका फेस जो है सड़क की तरफ है तो यानी कि जो आपका फेस जहां से सूरज निकल रहा है अगर आप देखेंगे कहा जहां जिस तरफ से सूरज निकलता है वो जो जगह होगी वो होगी आपकी ईस्ट ठीक है ना वो कौन सी हो गई आपकी आप सूरज कहां से निकलता है पूर्व से है ना तो वो आपके तो आप बताओ कि जिस तरफ से सूरज जहां आप खड़े हैं तो वो आपकी ईस्ट हो गई तो वहां से कोई मजेदार जगह या मजेदार चीज आप यहां पर बताएंगे नेम टू थिंग्स दैट आर लाइंग टू योर वेस्ट और ऐसी कोई दो चीजें बताइए जो आपके वेस्ट में हैं। अब ईस्ट से सूरज निकलता है और वेस्ट में छुपता है, है ना तो वेस्ट कहाँ है उसके पीछे जिस डायरेक्शन में वो है तो अब आप अगर स्कूल के गेट पे खड़े हैं तो जो जहाँ से सूरज निकलता है वहाँ की कोई बात जगह बताइए और जहाँ सूरज अस्त होता है जहाँ सूरज निकलता है तो पीछे की तरफ यानी कि आपके वहाँ की कोई दो चीज़ों के बारे में लिखिए ऐसा ही एग्जाम्पल आप अपने घर की तरफ से ले सकते हैं जरूरी नहीं है कि स्कूल है तो आप ये सोचें कि आप अपने घर के गेट के बाहर की तरफ खड़े हैं आपका फेस जो सड़क की तरफ है तो अब आप उस तरीके से डिसाइड करिए कि आपके ईस्ट में कहाँ है और वेस्ट में क्या है राइट अब वो कहता है अ कैच कैच वाह wow, क्या पकड़ा है इसका मतलब ये हुआ अब वो कहता आउट ऑन द सी फिशरमैन लुक फॉर अ प्लेस दे होप टू फाइंड अ गुड कैच ऑफ फिश दे देर दे स्प्रेड देयर नेट्स दे विल हैव टू वेट फॉर मैनी आवर्स फॉर द फिश टू कम इन टू देअर नेट्स वो कहता है आउट ऑन द सी समंदर के अंदर फिशरमैन जो है वो ऐसा जगह ढूंढते हैं जहां पर उन्हें उम्मीद हो वेयर दे होप जहां पर वे ऐसी आशा करते हैं उम्मीद करते हैं टू फाइंड अ गुड कैच ऑफ फिश जहां पर वो बहुत ज्यादा मछलियां पकड़ सकते हैं या अच्छी संख्या में मछलियां पकड़ सकते हैं उस जगह को ढूंढते हैं उसके बाद वो क्या करते हैं देयर दे स्प्रेड देयर नेट्स वहां वो अपने जाल को फैला देते हैं स्प्रेड माने फैलाना नेट्स माने जाल को और दे विल हैव टू वेट और उन्हें वहां पर कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है ताकि उसमें मछलियां जो हैं वो आकर फंस जाए लुक एट द डिफरेंट टाइप ऑफ बोट्स अब नीचे आप देखिए अलग अलग तरह की बोट्स होती हैं सम बोट्स हैव मोटर्स एंड गो फर्दर इन टू द सी सिंस दे गो फार आउट दे कैन कैच मोर फिश दीज बोट्स ट्रेवल फास्टर एट द स्पीड ऑफ अबाउट ट्वेंटी किलोमीटर्स इन एन आर कथब कुछ बोट्स होती हैं उनमें क्या लगी होती है मोटर लगी होती है और वो बहुत आगे तक समंदर में जा सकते हैं सिंस दे गो फार क्योंकि वो ज़्यादा आगे तक जा सकते हैं तो दे कैन कैच मोर फिशेज तो वो ज़्यादा मछलियां भी पकड़ सकते हैं ये बोट्स जो हैं वो ट्रेवल करती हैं फास्टर बहुत तेज़ और क्या स्पीड होती है उनकी उनकी स्पीड होती है लगभग बीस किलोमीटर एक घंटे के अंदर वो एक घंटे के अंदर बीस किलोमीटर दूर तक भी जा सकती हैं और इस तरह की मछली जो नावें होती हैं वो ज़्यादा मछलियां पकड़ने में सक्षम होती हैं हाउ फारुड इ मोटर बोट गो इन थ्री एंड हाफ आवर्स अब उसने बताया कि एक मोटर बोट ट्वेंटी किलोमीटर्स एक घंटे में जाती है तो अब वो पूछ रहा है कि वो इसी तरह की मोटर बोट तीन साढ़े तीन घंटे में थ्री एंड हाफ ऐसे लिखते हैं थ्री एंड हाफ तो वो कहता है कि एक घंटे में तो जाएगी वो ट्वेंटी किलोमीटर्स ठीक है ना तो थ्री एंड हाफ या हम इसे ऐसे कर सकते हैं थ्री पॉइंट फाइव भी कर सकते हैं तो इसे मल्टीप्लाइड बाई कर दीजिए ट्वेंटी से तो आपका क्या आंसर आएगा वो आप देखेंगे तो वो इतने किलोमीटर्स जाएगी तो ये हो जाएगा सेवन हंड्रेड अगर ट्वेंटी से मल्टीप्लाई करेंगे थर्टी फाइव को तो लेकिन थर्टी फाइव में फाइव के बाद डेसिमल है तो ये डेसिमल एक के बाद लग जाएगा तो लगभग कितना हो गया सेवेंटी किलोमीटर्स वो साढ़े तीन घंटे में जाएगी राइट right. अब वो है हाउ मच टाइम विल टेक टू गो 85 फाइव और अगर उन्हें 85 फाइव किलोमीटर जाना हो तो उन्हें कितना समय लगेगा तो उसके लिए क्या करेंगे वो एक घंटे में कितना जाती है 20 किलोमीटर्स तो 85 फाइव किलोमीटर्स जाने के लिए कितना टाइम लगेगा फिर इसे 85 से डिवाइड कर देंगे 20 को ठीक है ना इसे डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कम ज्यादा समय समय कम लगेगा ना घंटे तो ट्वेंटी और एट्टी फाइव से कम लगेंगे तो इसलिए उसे उसमें डिवाइड कर दें वो आगे कहता है कि मोटर बोट कैसी है देख लीजिए उसके बाद कहता है मोटर बोट है ये भी ये लॉन्ग टेल बोट है और ये बिग मशीन बोट यानी ट्रैवलर कहता है ट्रॉलर बोलते हैं इसको राइट इस इस तरह की बोट्स होती हैं वो कहता है बट द फिशरमैन आर नाउ वेरी वर्ड देयर आर सम वेरी बिग मशीन बोट्स यानी ट्रॉलर बोलते हैं जिन्हें इन द बिजनेस They go far out and put their big nets deep in the sea. This way they collect a whole lot of fish, leaving very few near the sea shore. They also stay out on the sea for many days. अब वो कहता है कि लेकिन आजकल जो फिशरमैन हैं मछली पकड़ने वाले हैं वो जो क्या हैं वो बहुत चिंतित हैं वेरी वरीड हैं क्यों क्योंकि देर वो आर सम वेरी बिग मशीन बोट्स और अब क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी मशीन बोट्स आ गई हैं जिन्हें ट्रॉलर भी कहते हैं वो इस धंधे में इन द बिजनेस इनके मछली पकड़ने के धंधे में अब बहुत बड़ी बड़ी अलग अलग प्रकार के नाव भी आ गई हैं जिसे ट्रॉलर बोलते हैं वो बहुत दूर तक जा सकती हैं और पुट देयर बिग नेट और वो अपने बड़ी बड़ी जो नेट हैं उन्हें बहुत गहराई में समंदर में डाल देती हैं और इसकी वजह से वो लग खूब सारी मछलियाँ पकड़ लेती हैं और जिसके कारण नदी के किनारों पर बहुत कम मछलियाँ ही आती हैं और वो जो ये जो नावें हैं जो ट्रॉलर्स हैं ये जो बहुत कई कई दिनों तक वो समंदर में रहती हैं और मछलियाँ पकड़ती रहती हैं दीज बिग मशीन बोट्स ऑल्सो कैच द स्मॉल बेबी फिश विच हैव येट टू ग्रो अप फिशरमैन इन द स्मॉलर बोट्स ऑलवेज लेट द बेबी फेस पास थ्रू देयर नेट्स टू गो बैक इन टू द सी दे चूज अ नेट साइज इन सर्च अ वे दैट ओनली द ग्रोन ऑफ फिशज आर कॉट अब ये भी देखिए कमाल की बात है कि जो बड़ी बड़ी मशीन की बोट हैं ये क्या करती हैं छोटी छोटी मछलियों को भी पकड़ लेती हैं जो कि अभी बड़ी हुई भी नहीं है जबकि जो नॉर्मल फिशरमैन हैं वो छोटी जो बोट्स में काम करते हैं वो क्या करते हैं वो बड़ी मछलियों को ही पकड़ते हैं और छोटी मछलियों को जाने देते हैं उनके जो नेट का जो साइज होता है वो बड़ी मछलियों को ही पकड़ता है और छोटी मछलियों को वो नहीं पकड़ता ताकि वो बड़ी हो सके फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर फिशरमैन हैव केयर्ड फॉर द सी एंड इट्स फिशज एंड फिश्ड ओनली अ लिटिल टू ईट एंड सेल दे से दैट इफ ट्रॉल थाउजेंो फिश लेफ्ट इन द सी वो कहते हैं वो हज वो मतलब सौ सालों से जो फिशरमैन हैं वो समंदर की देखभाल भी करते आ रहे हैं और उनकी मछलियों की भी वो मछलियों को सिर्फ थोड़ी सी पकड़ते हैं खाने के लिए और बेचने के लिए मगर अब जो नई नई जो ट्रॉलर्स आ गए हैं वो क्या करते हैं थाउजेंड्स वो हजारों किलोग्राम मछलियां पकड़ते हैं हर रोज और इस तरह से तो समंदर में मछलियां बचेंगी ही नहीं वो कहता है कि राइट अ न्यूज रिपोर्ट एक न्यूज रिपोर्ट बनाइए अब आप लोग जिसे प्रेस विज्ञप्ति बोलते हैं अबाउट द डेंजरस फेस्ड डेंजर्स फेस्ड बाय द फिशेस वो कहता है कि क्या विज्ञप्ति बनाइए कि जो मछलियां क्या क्या परेशानियां या खतरा झेलती हैं हमारी नदियों में और समंदर में मछलियां क्या क्या खतरा झेलती हैं समंदर और मछलियों में सॉरी समंदर में और नदियों में तो क्या क्या वो होती हैं कि भाई एक तो क्या होता है सबसे पहले तो भाई आजकल जो है एक तो पोल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से मछलियां मर रही हैं उसके अलावा बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खाती हैं उसके अलावा जो मछलियों का शिकार करते हैं कुछ लोग करंट लगा के भी मार देते हैं छोटी छोटी मछलियाँ भी मर जाती हैं उससे तो ये सारी की सारी परेशानियाँ हैं जो हम अपनी रिपोर्ट में लिख सकते हैं राइट अब वो कहता है कि विच बोट गेट्स हाउ मच कौन सी मछली ऐसी है कौन सी बोट ऐसी है जो कि कितना लेगी यानी कि कौन सी बोट कितनी मछलियां पकड़ेगी अब वो कहता है इन वन ट्रिप द लॉग बोट ब्रिंग्स अबाउट ट्वेंटी के जी ऑफ फिश कहता है एक ट्रिप में जो लॉग बोट होती है वो बीस किलो मछलियां पकड़कर लाती है बट अदर टाइप ऑफ बोट ब्रिंग बिगर कैच एज गिवन इन द टेबल मगर जो अलग अलग तरह की और जो बोट्स हैं वो अलग अलग संख्या में मछलियां पकड़ के लाती है जो कि नीचे टेबल में आपको दी गई है वो तो कहता है कि द टेबल ऑल्सो शो शोज द स्पीड ऑफ ईच टाइप ऑफ बोट और इस टेबल में आपको हर एक की स्पीड भी बताई गई है कि कितनी कितनी है विच इज हाउ फार ईच बोट गोज इन वन आवर कि जो जो इतनी वो क्या है कि एक घंटे में वो कितनी दूर तक जा सकती है ये भी बताया है लुक एट द टेबल एंड कैलकुलेट इस टेबल को देखो और कैलकुलेट करो कौन कौन से कैलकुलेट करो अभी हमने देखा था ना कि हमने फटाफट पिछले अभी जो क्लासेस में हमने पढ़ा था कि फटाफट सिंपल चार्ट बनाना अगर हम ये चार्ट बना लेते हैं तो उसके बाद हम सारे के सारे आंसर्स दे सकते हैं तो ये उन्हीं चार्ट का प्रयोग अगर हमको पहले नहीं आता है बेटा तो अब ये हमारे को मुश्किल आएगी और उसका फायदा भी आप देखेंगे कि अगर आपने स्मार्ट चार्ट बनाया हुआ है तो आप फटाफट फटाफट आंसर दे देंगे तो हमने चार्ट क्या बनाया टाइप ऑफ बोट कौन कौन सी है कैच इज द फिश इन वन ट्रिप एक ट्रिप में कितनी पकड़ती है और साथ ही साथ सांत उनकी स्पीड कितनी है कि वो एक घंटे में कहा तक कितनी किलोमीटर तक जा सकती है अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ उन्होंने अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग्स इन सेवन ट्रिप्स कहता है कि अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग्स इन सेवन ट्रिप्स वो कहता है कि बताओ कि कितनी मछलियां इन ऑल सारी की सारी पकड़ेंगी ये ईच टाइप ऑफ बोट एक बोट अगर वो सात चक्कर लगाए सेवन ट्रिप्स में कितनी पकड़ेंगी सारी मिला के कहने का मतलब क्या है कि अगर वो एक चक्कर में वो बीस किलो मछली पकड़ती हैं तो वो ये वाली सात चक्कर में कितनी पकड़ेगी ये वाली सात चक्कर में कितनी पकड़ेगी ये वाली और ये वाली सात सात चक्करों में कितनी पकड़ेंगी सबकी बतानी है आपको अलग अलग राइट क्योंकि वो करना कि इन इन ऑल एक साथ में है तो सेवन एक राउंड में 20 किलो तो 7 राउंड्स में कितना है 20 20 यानी 20 कितने टाइम्स 7 टाइम्स ये 600 कितने टाइम्स 7 टाइम्स 800 कितने टाइम्स 7 टाइम्स और 6000 कितने टाइम्स 7 टाइम्स राइट अब वो कहता है अबाउट हाउ फार कैन अ मोटर बोट गो इन सिक्स आवर्स तो कहता है कि एक मोटर बोर्ड जो है एक मोटर बोर्ड का है मोटर बोर्ड मोटर बोर्ड एक आवर में कितना जाती है ट्वेंटी किलोमीटर तो वो कितना सिक्स आवर्स में कितना जाएगी सिक्स टाइम्स तो ट्वेंटी कितने टाइम्स सिक्स टाइम्स राइट अब कहता है इफ अ लॉन्ग टेल बोट हैज नो हैज टू ट्रैवल सॉरी वो कहता है इफ अ लॉन्ग टेल बोट हैज टू ट्रेवल सिक्सटी किलोमीटर हाउ लॉन्ग विल इट टेक तो कहता है कि जो ये लॉन्ग टेल बोट है लॉन्ग टेल बोट है अगर उसे सिक्सटी किलोमीटर जाना है कितना किलोमीटर जाना है सिक्सटी किलोमीटर जाना है तो उसे कितना समय लगेगा अब उसे एक घंटे में कितना जाती है बारह किलोमीटर तो 60 किलोमीटर जाने के लिए कितने आवर्स लगेंगे तो हम क्या करेंगे 12 से 60 को डिवाइड कर देंगे एक आर में कितना 12। तो 60 किलोमीटर जाने के लिए एक 12 किलोमीटर जाने के लिए वन आर तो 60 किलोमीटर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हम 12 को डिवाइड कर देंगे 60 से तो क्या आएगा ट्वेल्व वन जा वेरी गुड थर्टी सिक्स ट्वेल्व फोर जा फोर्टी एट ट्वेल्व फाइव जा सिक्सटी तो यानी कि फाइव आवर्स लगेंगे सिक्सटी किलोमीटर जाने में एक लॉन्ग टेल बोट को समझ में आ गया ना बिल्कुल इस पहले पार्ट में आज के लिए इतना ही नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे के लेसन को पढ़ेंगे आई होप यू एंजॉयड आर वीडियो थैंक्स फॉर बींग अस